डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास सिक्स का एनसीईआरटी का मैथ है, चैप्टर सिक्स, एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे ए नंबर में क्या कह रहा है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है, नेगेटिव नंबर लिखना है, और जो -20 से बड़ा हो। तो यहाँ पर ध्यान देना है, माइनस में लिखना है, नेगेटिव में लिखना है, इसीलिए बड़ा का मतलब आप 21, 22 इस तरह से नहीं जाना है। माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। इसमें ग्रेटर लिखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो हमको लिखना पड़ेगा -19, इससे बड़ा लिखना है। तो -19 लिखेंगे, -19, -18, -17, -16, इस तरह से 16 हो जाएगा। तो इस तरह से, और जो है 15, 14 ये सब नंबर लिख सकते हैं। तो 4 नंबर मांग रहा है इससे बड़ा, तो ये 4 नंबर जो है इससे बड़ा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ये हो गया। और यहाँ पे बी नंबर में राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, तो यहाँ पे छोटा मांग रहा है। तो छोटा मांगने का मतलब क्या, माइनस में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। तो यहाँ पर -10 के बाद हम लिख सकते हैं -11, -12, कितना 4 मांग रहा है, तो -13 और -14, ये हो गया। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स लिखना है, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, अगर स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, करेक्ट द स्टेटमेंट, तो इसको सही करने के लिए कह रहा है। तो ए नंबर में दिया हुआ है -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन ए नंबर लाइन, तो 8 जो है वो बतला रहा है कि -10 से, -8 जो है वो -10 से राइट साइड में, उसके राइट साइड में होगा। तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसमें जो बड़ा था वो राइट साइड में था, तो यहाँ पे ये बड़ा है, -8 बड़ा है, तो ये राइट साइड में होगा। इसका मतलब है कि ये ट्रू है, तो इसको ट्रू लिख देते हैं। तो ये ऑलरेडी ट्रू है, तो इसको सही करने की आवश्यकता नहीं है, तो जो गलत होगा उसको सही करना। तो यहाँ पे बी नंबर में दिया हुआ है -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन, तो 100 को बतला रहा है कि -50 से वो राइट साइड में, तो -100 जो है इससे छोटा है, अगर बड़ा रहता तभी वो उसके राइट साइड में होता, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, फॉल्स है, तो इसको राइट मतलब करेक्ट करना होगा। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50, इतना लिखने से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -100, -100 इज टू ऑफ -50, ऑफ -50, ये हो गया। सी नंबर में स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, तो -1 ऐसे, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन सही नहीं है। माइनस में क्या होता है, उल्टा होता है, तो ये सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। माइनस में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, तो ये फॉल्स हो गया, सबसे पहले फॉल्स हो गया, और इसको करेक्ट करना है। तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटेस्ट, इसका उल्टा हो गया, ग्रेटेस्ट तो लिख देते हैं इज -1, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद डी नंबर में दिया हुआ है -26 इज ग्रेटर देन -25, तो -26 जो बड़ा होता है माइनस में वही छोटा होता है, तो ये बोल रहा है कि ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर नहीं है, ये स्मॉलर है, छोटा है, 25 -25 से ये -26 छोटा है, तो ये फॉल्स हो गया सबसे पहले। और इसका जो है यही लिखना है, सिर्फ ग्रेटर के जगह स्मॉलर लगा देना, तो -26 इज स्मॉलर -25, ये हो गया, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ड्रॉ ये नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग, तो एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। आप नहीं भी कर सकते हैं, अगर आप बिना ड्रॉ किए आंसर दे सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ड्रॉ करके रखते हैं तो उससे क्या होगा कि आसान हो जाएगा इसका आंसर देने में, और मिस्टेक होने की संभावना नहीं होगा। तो फर्स्ट में यहाँ क्या दिया हुआ है, विच नंबर विल वी रिच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2,
तो माइनस टू से चार बार हम राइट साइड चलते हैं तो हम कौन से नंबर पे पहुंचेंगे, तो माइनस टू से, तो माइनस टू कहाँ पे है, तो माइनस टू है यहाँ, तो हम राइट साइड चलेंगे, राइट साइड मतलब इधर प्लस की ओर, तो राइट साइड चलेंगे चार बार चलना, तो चलते हैं एक दो तीन चार, मतलब हम प्लस टू में पहुँच रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टू, प्लस टू में प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, टू ही इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद बी नंबर में विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव फाइव नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ वन, तो वन प्लस वन है, तो वन से हम लोग लेफ्ट की ओर फाइव बार मूव करेंगे तो हम लोग कौन से नंबर पे पहुंचेंगे, तो वन कहाँ पे है, यहाँ वन है, और यहाँ पे हम फाइव बार मूव करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, कहाँ पहुँचे, माइनस फोर पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस फोर, ये हो गया। अब यहाँ पे सी नंबर इफ़ वी और एट माइनस एट ऑन द नंबर लाइन, अगर हम लोग नंबर लाइन के माइनस एट पे हैं, यहाँ पे हैं, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रिच माइनस थर्टीन, तो माइनस थर्टीन यहाँ पे माइनस थर्टीन है, तो हम लोग को यहाँ से माइनस थर्टीन जाना है तो किधर मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट या राइट, तो यहाँ से हम लोग इधर जा रहे हैं माइनस की ओर, इसका मतलब है कि हम लोगों को लेफ्ट की ओर मूव करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका आंसर होगा टू द लेफ्ट, तो यहाँ पे हम टू द लेफ्ट मतलब हो गया लेफ्ट की ओर, ये हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद डी इफ़ वी आर एट माइनस सिक्स ऑन द नंबर लाइन, अगर हम लोग नंबर लाइन के माइनस सिक्स में हैं, कहाँ पे है माइनस सिक्स, यहाँ पे, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रिच माइनस वन, अगर हम लोग माइनस वन की ओर जाना है तो हम लोग माइनस वन यहाँ है, तो हम लोगों को किस ओर मूव करना पड़ेगा, तो हम लोग को राइट की ओर मूव करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू द राइट, टू द राइट, ये हो गया, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।